इसके लिए मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप खामोश क्यों हैं, क्यों ही उन लोगों को नहीं ताकीद देते कि भड़काने वाले भाषण न करें। मोहम्मद मुतालिक जब आप बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप रावण की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, राम की नहीं। क्योंकि राम की जो मूर्ति है आप देखेंगे उसमें कितनी मोहब्बत है, कितनी चाहत है। राम ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं कहा। राज्य में चल रहे हालात को लेकर एडवोकेट एमएम सुतार ने मुख्यमंत्री पर उठाए सवाल। कर्नाटक राज्य में एक विशेष समुदाय पर निशाना बनाकर चंद लोगों द्वारा किए जा रहे कामों पर राज्य के मुख्यमंत्री की खामोशी पर सवाल उठाते हुए वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल बेलगाम जोन के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट एमएम सुतार ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ जहर घोलकर राज्य में अशांति फैलाने वाले लोगों पर कार्यवाही करने की बात करते हुए हिंदू मुस्लिम सभी लोगों से इस देश की सभ्यता और हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखने की गुजारिश करते हुए और भी कई बातें कही एडवोकेट एमएम सुतार ने। आइए जानते हैं क्या कहना है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल बेलगाम जोन के प्रेसिडेंट और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट एमएम सुतार का। मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ बेलगाम जोन ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से बीजापुर के ज़िले के लोगों का तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो दिन ब दिन हालात बदलते जा रहे हैं, जैसा कि हिजाब का मसला है, जैसा कि मटन का मसला है कटा हुआ या हलाल, और ऐसे बहुत सारे मसले उठ रहे हैं। और अभी रिसेंटली ये कहा जा रहा है कि जो मुसलमान लोग मूर्तियों की मूर्तियां बनाए हैं उनको पूजा न किया जाए, तो इस तरह से माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है, इसको इन कोशिशों को दबाना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे हालात में भी हमारे जो ज़िले के लोग बिल्कुल इन्हें डिस्टर्बेंस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू और मुसलमान भाई भाइयों की तरह रह रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो हिंदुत्व के नाम पर लड़ रहे हैं ये हिंदुओं के भी दुश्मन हैं और मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। और ख़ासकर हमारे ज़िले के पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने भी बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है और कहीं भी इसको भड़कने नहीं दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन ये लोग हैं, ये क्या चाहते हैं, जैसे कि प्रमोद मुतालिक हैं, इनकी ज़बान कितनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई लिमिट ही नहीं है। उनका कहना है कि जो बच्ची हासन में वो जो परसों हिजाब के मामले में लड़ने से उसको जो है उसको अरेस्ट करना चाहिए, ऐसी उसको और उसके वालिद को, ऐसी बातें कह रहे हैं। प्रमोद मुतालिक जब आप बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप रावण की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, राम की नहीं। और आप दिखने में जैसे आपका चेहरा है वो राम का तो नहीं हो सकता, लेकिन रावण का ज़रूर है। क्योंकि राम की जो मूर्ति है आप देखेंगे उसमें कितनी मोहब्बत है, कितनी चाहत है। राम ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं कहा। लेकिन आज ये जो चल रहा है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप खामोश क्यों हैं, क्यों ही उन लोगों को नहीं ताकीद देते कि भड़काने वाले भाषण न करें, मुसलमानों पर जुल्म न होने दें। और जो बड़े बड़े हमारे जो स्टेट लेवल के स्वामी जी हैं इनको ये भी खामोश बैठे हुए हैं। और ये हिंदू मुसलमान को प्यार करने वाले स्वामी जी हैं। और इन लोगों का भी आज के दौर में फ़र्ज बनता है कि उठकर आएं और इन लोगों को कंडेम करें जो समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो है हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं और आने वाले दिनों में इसी तरह से एक दूसरे में हमें संयम बरतना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, और ये वक्त की आवाज़ है। मुझे ये देखकर बहुत ही ताज्जुब होता है कि आज दुनिया में इस्लाम को मिटाने, मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं कि जिस वक्त इस्लाम ने जन्म लिया है, पैदा हुआ है,
उस वक्त से लेकर आज तक कई ऐसे इस्लाम के दुश्मन पैदा हुए, जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में शैतान पैदा हुआ, उसने कहा कि मैं ता कयामत तक मुसलमानों का और इस्लाम का दुश्मन बन के रहूँगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज दुनिया की सेकंड नंबर पर मुसलमान हैं। उसी तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद ने कहा कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख़त्म करके छोड़ूंगा, लेकिन वही ख़त्म हो गया। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिरौन आया और वो तो ओपन चैलेंज कर रहा था कि मैं इस्लाम को ख़त्म कर दूंगा, मैं खुदा हूँ। ऐसे लोग जो इस्लाम के दुश्मन हैं, वो दुश्मन थे, उन्होंने इस्लाम को कुछ नहीं किया। बाद में जो सामरी आया, सामरी कुछ नहीं कर सकता, यजीद आया। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस्लामी मुसलमानों की दुश्मन की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन वो आज की तारीख में नहीं है, इस्लाम जिंदा है। मैं लोगों से जो इस्लाम के दुश्मन हैं, आज उनको मैं कहना चाहता हूँ, जब से दुनिया पैदा हुई है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ता कयामत तक ये कौम रहेगी, ये मज़हब रहेगा, इसे कोई हटा नहीं सकता, कोई भी नहीं। चाहे आप लाख कोशिश कीजिए, लेकिन इतना आसान नहीं है इस कौम को मिटा सकता है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों से दुश्मनी कर 700 साल मुसलमानों ने जंगें लड़ी हैं, वो जंग में भी जो है हम हारे नहीं हैं, मुसलमान जीत गए हैं। ये इस्लाम जो मज़हब है, ये बहुत ही अल्लाह का मज़हब है, ये फैलते रहेगा। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि सदियों से, हज़ारों साल से हिंदू और मुसलमान या भाई भाई की तरह आए हैं। अगर आप देखेंगे कि कश्मीर में जो सबसे बड़े मंदिर है, जिसका नाम है अमरनाथ टेंपल, उसके जो पुजारी हैं, उनका बूटा मलिक, उसका हज़ार साल पहले बूटा मलिक उसका पुजारी था, और आज भी उसी ख़ानदान के लोग वहाँ पर पुजारी का काम कर रहे हैं। ऐसे हालात में, जबकि हिंदू मुस्लिम बहुत बड़े बड़े देवताओं के मुजावर मुस्लिम हैं और बहुत बड़े बड़े दरगाहों के मुजावर हिंदू हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी जो है वो बहुत हज़ारों साल पुरानी है। इसको आगे भी लेकर चलना है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो आँखें हैं। हिंदुस्तान एक दुल्हन है जिसकी दो आँखें हिंदू और मुसलमान हैं। अगर दुल्हन की एक आँख चली जाए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस दुल्हन की क्या हालत होगी। हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है और ये दोनों आँखें बहुत ज़रूरी हैं। और मैं हिंदू और मुसलमान भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस देश को, जो बहुत ही खूबसूरत देश है, आज दुनिया में नाम कमा रहा है, तो इस देश की सभ्यता को जिसकी कायम रखें और इसको आगे बढ़ाएँ। मैं MM सुतार, प्रेसिडेंट वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल बेलगाम झोन, आपसे गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इकरा पीयू साइंस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन की हुई शुरुआत। बीजापुर शहर के एक बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक इकरा पीयू साइंस कॉलेज में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स की बेहतरीन टीम के साथ वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज, स्ट्रैम्प लैब, प्ले ग्राउंड के साथ साथ PCMB और नीट एग्जाम्स के लिए बेहतरीन ऑफर भी मौजूद है, और साथ ही आपके बच्चों के लिए कॉलेज बस का इंतजाम भी है। तो देर किस बात की, इकरा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए पते पर कांटेक्ट करें। फातिमा कैंपस, BSNL क्वार्टर्स रोड, नियर मंगोली बेस, बीजापुर। नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।